19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे 2020 मैच आयोजन होना है रांची में। हमारे साथ उपाध्यक्ष JSCA के अजयनाथ सहदेव मौजूद हैं। अजयनाथ सहदेव से बातचीत करेंगे और क्रिकेट मैच को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि आयोजन होना है और पहले तो यह कहा गया कि 50% जो है क्षमता के साथ मैच होंगे, लेकिन बाद में जो है यह ऐलान किया गया कि 100% जो है लगभग 38,000 से 40,000 के बीच में जो है क्षमता वाला यह स्टेडियम में मैच होंगे। लेकिन क्या कुछ तैयारियां है, क्योंकि आज जो है पहला टेस्ट 2020 मैच जो है होना है जयपुर में, दूसरा का आयोजन रांची में होना है, तीसरा का कोलकाता में होना है। वैसे में टिकटों को लेकर क्या कुछ है और क्या कुछ तैयारियां हैं, टीम कब आएंगी, क्योंकि जो है इंडिया न्यूजीलैंड की टीम जो है जल्द जो है हमारे ख्याल से आ जाएंगी और प्रैक्टिस करेंगे। मैच को लेकर और पिच को लेकर बातचीत करेंगे। अजयनाथ सहदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी आयोजन है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कल टीम जो है पहुँच जाएंगी, पिच कैसी है और क्या कुछ कह सकते हैं, मौसम कैसा रहेगा? देखिए, तैयारी JSC की तैयारी बिल्कुल पूरी है जी, और हर बात जब भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं तो JSA की तैयारी बिल्कुल पुख्ता रही है, और बहुत शॉर्ट नोटिस में भी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ कराए हुए हैं। यहाँ के ऑफिशियल्स, जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, वो सभी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, और अमिताभ चौधरी जी की लीडरशिप में जमशेदपुर से ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने का अनुभव रहा है जी। और हाँ, इस बार जो चैलेंजेस हैं वो अधिक हैं, क्योंकि कोविड के बाद, इस पैंडेमिक के बाद आप देखेंगे कि ये पहला आयोजन होगा जहाँ पे दर्शक पूरी संख्या में लोग रहेंगे, तो फुल कैपेसिटी आने के करीब लगभग 38,000 लोग यहाँ रहेंगे। तो उसके लिए जो तैयारी है, जो ध्यान दिया जा रहा है कि लोग जो कोविड वैक्सीनेशन जिन लोगों ने कराया हुआ है, एंट्री उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन डोज लिया हुआ है। अगर किसी ने किसी कारण से अगर डबल वैक्सीनेशन नहीं कराया हुआ है तो उनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वैलिड टिकट होने के बावजूद भी अगर उनके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें RT-PCR अपना करा के आना पड़ेगा। और बड़ा बात यह होता है यहाँ कि जाँच के लिए क्या स्टेडियम जाँच यहाँ करवाएगा या जाँच का रिपोर्ट उनको लेके आना होगा? नहीं, स्टेडियम जाँच नहीं कराएगा, आपको जाँच की रिपोर्ट लेके आनी है। जाँच की रिपोर्ट मतलब 15th, मतलब 15, 16, 17, 18 तक का, अभी हाँ पिछले जो 72 घंटे के अंदर के आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ कोई जांच नहीं होगी, यहाँ जो है मास्क की जांच होगी, आपने मास्क लगाया हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके पास रिपोर्ट है कि नहीं, या रिपोर्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है। अच्छा, बड़ी मैच हो रही है, चूंकि रनर अप रहा है न्यूजीलैंड 2020 मैच में, और क्या कह सकते हैं मैच को लेकर, पिच कैसी तैयारी, पिच का मौसम कैसा हो सकता है, और इसको लेकर कल जो है टीम आ भी जाएंगे तो क्या कुछ इसको लेकर? देखिए, मौसम मुझे लगता है कि बिल्कुल क्रिकेट मैच के लिए अच्छा मौसम है। पिच के बारे में कुछ भी कह पाना, क्योंकि ये पिच बिल्कुल एक स्पोर्टिंग पिच रहा है, तो आप पहले के रिकॉर्ड को देखेंगे तो ये एक अच्छा पिच, इनफैक्ट यहाँ पे टेस्ट मैच भी हुए हैं, 2020 भी हुए हैं, और वनडे इंटरनेशनल मैच भी हुआ है, और हमेशा से इस पिच ने यहाँ पे ट्रू बिहेव किया है। मैं कोई क्यूरेटर नहीं हूँ जो आपको पिच के बारे में कोई टेक्निकल बातें कर सकता हूँ, और हमारे जो यहाँ के चीफ क्यूरेटर हैं वो BCCI के क्यूरेटर हैं, और काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। यहाँ के जो ग्राउंड्समैन हैं वो, अभी जो बारिश हो रही थी तब भी आपने देखा होगा कि ग्राउंड में वो कड़ी मेहनत करते हैं, और ग्राउंड की संरचना ऐसी है, इसका जो आर्किटेक्चर ऐसा है कि बारिश के बावजूद भी यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर कितना भी बारिश हो, पानी जो है वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है। चूंकि रांची में मैच हो रहा है, रांची के राजकुमार की बात अगर ना हो तो बेकार हो जाएगा। MS धोनी क्या मौजूद रहेंगे? देखिए, MS धोनी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये जानकारी हमें नहीं है। MS धोनी रांची में जब भी होते हैं तो यहाँ इस जिम परिसर में ही, यहाँ पे इसी स्टेडियम के परिसर के अंदर ही वो जिमनेजियम भी यूज़ करते हैं, बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, और अगर वो रांची में रहेंगे, क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे कि वो रांची में रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, और ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पर आना चाहेंगे तो सबके लिए, रांची के लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये जानकारी हमें अभी नहीं है कि वो यहाँ मैच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अजय, नए कोच राहुल द्रविड़ और नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में मैच होना है, आज पहला मैच जयपुर में हो रहा है, दूसरा यहाँ होना है, तीसरा कोलकाता में होना है, वैसे में क्या कुछ टीम को लेकर, क्या कुछ खिलाड़ियों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में लोगों को, मैंने देखा जो क्रिकेट के जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी दुख था कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और लेकिन मेरा ये मानना है कि जब टीम अच्छा प्रदर्शन करके नहीं आई है तो बड़ी संख्या में लोगों को आके अपनी टीम को एनकरेज करना चाहिए, अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी फिर से
जो हमारी टीम है वो बिल्कुल पूरे दमखम के साथ जो है वो मैदान पर उतरेगी और एक अच्छा एक आप कह सकते हैं टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। अजय, रेडिशन ब्लू बायो बबल में रहेगा लेकिन यहाँ जो खिलाड़ी रहेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या यहाँ भी बायो बबल की कुछ बात? देखिए, प्लेयर्स जो हैं वो लगातार बायो प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स जो हैं, जो कमेंट्री करने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग बायो बबल के पार्ट रहेंगे और वो बायो बबल जो है वो क्रिएटेड है होटल से लेके स्टेडियम तक जो जहाँ उनको रहना है वो बायो बबल का पार्ट रहेगा। अजय, अपने ओर से क्या कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? टिकट के लिए कई सारे खबरें आ रही कि टिकट की काला बाजारी हो रही है, बाहर जो है 900 रुपये के टिकट इतने में बिक रहे हैं, उतने में बिक रहे हैं, लोकल जो है टिकट्स ये कर दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या अब तो पूरी क्षमता के साथ टिकट? देखिए, इस पे ये सही है कि ऐसी जानकारी जब भी कुछ आती है तो जनरली GST ऑफिशियल्स भी तुरंत में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल थाना है, उनको ही खबर करते हैं और पुलिस की मौजूदगी वहाँ पे है और पुलिस ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है वहाँ पे कि वो भीड़ को नियंत्रित रखने में, ताकि वो ऑर्डरली रहें, इसके लिए उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। लेकिन इस तरह की जो सूचना है जब भी आती है, ये हर मैच में ऐसी सूचना मिलती है हर सेंटर्स में, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को भी इस पे आगे आके उस समय उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा एक आग्रह रहता है कि जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक हैं, जब वो टिकट लेने जाते हैं अपने लिए, तो उसके बाद ऐसी सूचना मिलती है कि वो लोग जो क्रिकेट प्रेमी, असली क्रिकेट प्रेमी हैं, वो कभी अपने टिकट अगर उसको मिल गया वो टिकट को नहीं बेचेगा, ये मैं मानता हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जयपुर में जो है ऑनलाइन टिकट कर दिए गए, यहाँ क्यों नहीं ऑनलाइन टिकट किए गए? देखिए, ये बोलना बड़ा आसान होता है, एक बार हम लोगों ने भी ऑनलाइन का प्रयास किया था, तो ऑनलाइन टिकट्स जो है, जो यहाँ पे आप देखेंगे जो टिकट लेने वाले जो लोग होते हैं वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग आते हैं, स्मार्टफोन्स में तुरंत उपयोग करना, तो मैं उस दर्शक को जो यहाँ पे, क्योंकि ये डिमांड पब्लिक की तरफ से ही रहता है कि जब ऑनलाइन टिकटिंग होता है, जब ऑनलाइन टिकट परचेज होता है तो लोगों को नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है कि इसीलिए फिजिकल ये कोशिश की जा रही है और आने वाले वर्षों में जिस तरीके से सब कुछ बदलाव हो रहा है इसमें भी बदलाव होगा, बट आज के दिन में जैसा है वो आपके सामने है। अच्छा, न्यूजीलैंड के भी दर्शक आएंगे क्या? न्यूजीलैंड के दर्शक क्या टिकट खरीदे? देखिए, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है कि न्यूजीलैंड के दर्शक आएंगे, लेकिन वो साथ में काफ़ी बार मूवमेंट उनकी होती है तो हो सकता है कि वो यहाँ मौजूद रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय नाथ सहदेव, जो है यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, GSSC के देख रेख करते हैं और स्टेडियम के कह सकते हैं आप मैच को लेकर काफ़ी चीज़ों को जानकारी दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो ये मैच यहाँ पर आयोजन होने वाला है ये भारत अच्छे तरीके से जीतेगा और निश्चित रूप से यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं इस मैच का काफ़ी अच्छे तरीके से लुत्फ उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।